हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल BBCCG जॉब्स पे। यहाँ पे हम डेली नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली जॉब्स अपडेट मिलती रहे। आज की आई हमारे पास वैकेंसी कार्यालय अधिष्ठा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर से। यहाँ पे 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं सब ये सब भी आवेदन कर सकते हैं। अगली पोस्ट है, पहली पोस्ट है सीनियर साइंटिस्ट की, जिनकी पद दो है। जूनियर साइंटिस्ट की दो पद हैं, लैब टेक्नीसियन के 20 पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 6 पद हैं और लैब अटेंडेंट के 10 पद हैं, स्वीपर के 9 पद हैं। तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे नोटिफिकेशन किस किस अनारक्षित और ST SC OBC के लिए कितनी कितनी सीट है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और पद का नाम जो है, सीनियर साइंटिस्ट के लिए आपको मेडिकल में चाहिए डिग्री, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MD और DNB माइक्रोबायोलॉजी से होनी चाहिए। ऐसे एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपको, वर्किंग एक्सपीरियंस लैब में या फिर बायोलॉजी लैब में। नॉन मेडिकल के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc विद PhD होनी चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस 3 ईयर का होना चाहिए इसमें। और यहाँ पे आपका वांछित अर्हता के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा इसमें। और जूनियर साइंटिस्ट का देख सकते हैं मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है। MBBS मांगा गया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, नॉन मेडिकल में MSc मांगा गया है माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन में देख सकते हैं जीव विज्ञान भौतिक शास्त्र रसायन से हायर सेकेंडरी 12th आपका होना चाहिए जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र से, ताकि शासकीय संस्थान पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रशिक्षित राज्य पैरा मेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकृत होना चाहिए वो। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 10+12th मांगा है अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण साथ मान्यता प्राप्त स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, कक्षा 10th परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्था से किसी में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए डाटा इंटरप्रेटर के लिए तथा प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, और 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपको टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। लैब रेंडिंग के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। स्वीपर के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे 5वीं 8वीं, और यहाँ पे 10th 12th भी भर सकते हैं पोस्ट। लैब टेक्नीसियंस डाटा एंट्री ऑपरेटर सर या संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर कुल संविदा भर्ती पे स्वीकृति पद है। नियम एवं शर्तें दी हुई है, कुछ नियुक्ति राज्य शासन संविदा भर्ती होगी, ये क्षेत्रीय शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा इसमें। इसी तरीके से नोटिफिकेशन आप हमने पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आयु जो है आपकी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। सीनियर जूनियर साइंटिस्ट का चयन जो है 85% अंक होगा और साक्षर तर इन लोग का हेतु 15% अंक मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पद को छोड़कर तृतीय और चतुर्थ वर्ग पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्तांक उसके आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। मूल दस्तावेजों की जांच सीनियर जूनियर साइंटिस्ट पदों का साक्षात्कार तिथि डाटा एंट्री ऑपरेटर इसके लिए कौशल परीक्षा हो सकती है 22/8/2020 को, और इसकी कुछ मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बता दे रहा हूँ कब तक करना है आवेदन इसको। इसकी ये आवेदन फॉर्म है देख सकते हैं आप, इसमें आप फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका आवेदन शुल्क है ST SC SC के लिए 200 रुपये, अनारक्षित और OBC के लिए 300 रुपये है। आवेदन शुल्क जो है आपको इस नंबर पे दिया हुआ है, इस खाता नंबर, इसमें आपको ट्रांजैक्शन करना है या फिर आप ईमेल आईडी में भेज सकते हैं अपने पते, इस पते पर दे सकते हैं। इस ईमेल आईडी देख सकते हैं आप, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उसमें आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वैकेंसी जो कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से आई थी। तो अगर आपको हमारा चैनल में और भी जॉब्स अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।